पूरी दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन का संकट, जब धरती पर जीवन के अस्तित्व का संकट बनते जा रहा है, लेकिन दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि ग्राम सभाओं के विरोध को कुचल के, दरकिनार करके खनन प्रक्रियाओं को वहाँ पे आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से इस पूरे देश ही अडानी होते जा रहा है, आप देखिए कि सारा कुछ तो अडानी के हाथ में है, तो जो सारे पीएसयू देश के अडानी के हाथ में सौंपे जा रहे, विकास जब विनाश बन जाए ना तो विकास नहीं रह जाता। भारत जैसे देश, जो तमाम विकासशील देश हैं, उनके लिए ये गंभीर संकट आने वाली है। और भारत जैसे देशों को तो और संवेदनशीलता से देखना होगा कि हमारे अपने जंगलों को कैसे हम बचा के रखें। कोई भी मुद्दा जब जन मुद्दा हो जाता है तो सरकार को पीछे हटना पड़ता है, हसदों में भी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज़। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आलोक शुक्ला जी। जिस तरीके से आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं और यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको भी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पेड़ों की कटाई के कारण हमने देखा होगा कि पर्यावरण में काफ़ी सारे नुकसान देखने को मिल जाते हैं, क्लाइमेट चेंज तक की समस्या आ जाती है। तो इसी चीज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनके क्या मायने हैं इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या कहेंगे इस बात पर आप? देखिए, बहुत ही दुखद है। छत्तीसगढ़ का बहुत ही समृद्ध वन इलाका है हसदेव का जंगल, जिसे बचाने के लिए स्वयं 2010 में केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने नोगो इलाका घोषित किया था। 2021 में भारतीय वन्य जीव संस्थान की अपनी रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि उस इलाके में खनन नहीं होना चाहिए। खनन होगा तो हसदेव नदी खत्म होगी, पर्यावरण पे जो विपरीत प्रभाव पड़ेंगे उसके कभी भरपाई नहीं हो पाएगी, मानव हाथी संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन उन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए सिर्फ कॉरपोरेट मुनाफे के लिए उस पूरे जंगल को जाड़ा जा रहा है। पिछले 10 सालों से वहाँ के आदिवासी विरोध कर रहे हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत ये कह रहे हैं, क्योंकि वो पांचवी अनुसूची का इलाका है और पांचवी अनुसूचित इलाके में बिना ग्राम सभा की सहमति के कोई परियोजना नहीं आ सकती। लेकिन दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि ग्राम सभाओं के विरोध को कुचल के, दरकिनार करके खनन प्रक्रियाओं को वहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी 20-21 तारीख को जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हुई, 91 हेक्टेयर में जो है करीब 30,000 के आसपास पेड़ों को काट दिया गया। वहाँ पे चाल कोल प्रोजेक्ट हैं जो राजस्थान के पास हैं और अडानी को के पास MDO हैं। उन चाल परियोजनाओं में करीब 5,500 हेक्टेयर और 8,00,000 के आसपास जंगल कटना है। छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है और छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे मध्य भारत के लिए वो जंगल बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन का संकट, जब धरती पर जीवन के अस्तित्व का संकट बनते जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में हसदेव जैसे जंगल का विनाश, हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि उसके अल्टरनेट विकल्प हैं, कोयले के विकल्प हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के विकल्प हैं। कोयला भी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे जंगल नहीं है, घने वन इलाके नहीं हैं, पर्यावरण का उतना नुकसान नहीं है, ऐसे जगह विकल्प देखे जा सकते हैं। लेकिन हसदेव से ही कोयला निकालने की जिद है, ये घातक है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एक मैम थी, उन्होंने बोला कि जय अडानी बोलिए, तो जय अडानी बोलने का क्या वो था? बिल्कुल, क्योंकि आज जिस तरीके से इस पूरे देश ही अडानी होते जा रहा है, आप देखिए कि पूरी माइनिंग जो है, पूरा कोल सेक्टर आप देखिए, पावर सेक्टर देखिए, पूरा पोर्ट देखिए, सारा कुछ तो अडानी के हाथ में है। तो जो सारे पीएसयू देश के अडानी के हाथ में सौंपे जा रहे हैं, और इतना ही नहीं है, अडानी के लिए संसाधनों की लूट के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिस तरीके से नियमों कानूनों का बदलाव कर रही है, इस तरीके से लग रहा है कि सरकार ही अडानी चला रहा है। और अडानी के खिलाफ जो बोल रहा है, आप देख लीजिए किस तरीके से लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, लोगों को जेल भेजे जा रहे हैं, फर्जी केसेस हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो मुझे लग रहा है उन्होंने सही कहा है। जिस तरीके से मतलब जनता ने एकदम पूरा विश्वास जता के भाजपा सरकार को चुना था, और उसके बाद ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पेड़ों की कटाई हो रही है, मतलब पेड़ से ही तो जीवन चलता है, उसी से हम सांस लेते हैं। सवाल यही है कि जनता ने यदि आपको जिताया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम कॉर्पोरेट के लिए करेंगे। आपको जनता के आवाज़ को सुनना पड़ेगा। जिस आदिवासी पिछले 10 सालों से लड़ रहे हैं, आप उनकी बात को सुनने के बजाय कॉर्पोरेट की सुन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये उस जनता के मैंडेट का अपमान है कि आप काम किसके लिए कर रहे हैं। तो मतलब एक विकास का जरिया भी तो हो सकता है, कॉर्पोरेट की सुन रहे हैं अगर, तो विकास जब विनाश बन जाए ना तो विकास नहीं रह जाता। अब जिस तरीके से जो क्लोनी कैपिटलिज्म है, सब कुछ
कॉर्पोरेट की लूट के लिए ख़त्म किया जा रहा है, कैसे तय होगा, किस तरीके से तय होगा? स्थानीय समुदाय जो जंगल को बचा के रखा है, जो पर्यावरण को बचा के रखा है, निर्णय प्रक्रिया किसकी होगी? अडानी की होगी या स्थानीय समुदाय की होगी, ये बड़ा सवाल है। तो जिस तरीके से पेड़ों की कटाई लगातार करी जा रही है, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, तो मतलब आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको किस तरीके का सामना करने को पड़े? हम देख रहे हैं जिस तरीके से आज जलवायु परिवर्तन के संकट हैं, भारत जैसा देश जहाँ पे खेती मौसम आधारित खेती है, जलवायु परिवर्तन के सीधे असर खेती पे पड़ने वाले हैं, लोगों की आजीविका के पे पड़ने वाले हैं। जिस तरीके से एक्सट्रीम वेदर हो रहे हैं, चाहे वो सूखा हो, बाढ़ हो, तूफान हो, उस पे जो जनहानि है और राजस्व की हानि है, भारत जैसे देश जो तमाम विकासशील देश हैं उनके लिए ये गंभीर संकट आने वाले दिनों में इकोनॉमी पर भी है। तो जलवायु परिवर्तन से कोई अछूता नहीं है और भारत जैसे देशों को तो और संवेदनशीलता से देखना होगा कि हमारे अपने जंगलों को कैसे हम बचा के रखें। सर, जिस तरीके से आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? संदेश यही देना चाहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। हमारी सांसों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जैसा पूरी जनता से अपील है कि वो उस लड़ाई में साथ आएँ, उसको मजबूत करें और हसदेव जैसे जंगल सुरक्षित रहें, यही अपील है। सभी आप लोगों ने अपने विचार रखे, तो इसमें कुछ लग रहा है कि सरकार मतलब रुकवाएगी वो पेड़ों की कटाई या कुछ हो पाएगा आदिवासियों के लिए? कोई भी मुद्दा जब जन मुद्दा हो जाता है तो सरकार को पीछे हटना पड़ता है, हसदेव में भी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है और पर्यावरण पर असर देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंज पर असर देखने को मिलता है, वहाँ पे आदिवासियों तक को तकलीफ हो रही है, आदिवासियों की ना सुन के मतलब वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी ना सुन के लोग कॉरपोरेट की सुन रही है, और लगातार यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि जय अडानी बोलो, कि अडानी की ही चल रही है, अडानी के नाम पे भाजपा सरकार चल रही है। तो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पर्यावरण से रिलेटेड थी, एनवायरमेंट से रिलेटेड थी, आपकी क्या राय है इसमें हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।